दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा कि किसी के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ गए हैं या किसी के बैंक अकाउंट में 11,000 करोड़ रुपए आ गए हैं। पर ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या ये पैसे जिसके अकाउंट में आए हैं तो उसके ही हो जाएंगे, या फिर अगर वो व्यक्ति उन पैसों में से कुछ पैसे खर्च कर दे तो क्या होगा। चलिए जानते हैं। दरअसल गुजरात के एक व्यक्ति के अकाउंट में 11,000 करोड़ रुपए गलती से आ गए, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा दिमाग लगाया कि अब बैंक वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये व्यक्ति हैं गुजरात के रमेश सागर, और एक दिन अचानक से इनके बैंक अकाउंट में कोटक वालों के 11,677 करोड़ रुपए आ जाते हैं। और अब मजेदार बात यह है कि रमेश भाई पिछले 5 सालों से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, और जैसे ही इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे देखे तो इन्होंने उन पैसों में से 2 करोड़ रुपए तुरंत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। और जब तक कोटक वालों ने इनके सारे पैसे बैंक में फ्रीज कराए, जब तक रमेश भाई इन्वेस्ट किए हुए 2 करोड़ रुपए से 5 लाख का प्रॉफिट कमा चुके थे। अब कोटक वाले अपना सारा पैसा तो वापस ले ही लेंगे, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वो 5 लाख रुपए बैंक वाले ले पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।